राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा शुरू की गई है, जिसको लेकर जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा सहित सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के बारे में तय कर लिया है कि उन्हें कोई ना कोई काम देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह कांग्रेस का नुकसान करते रहेंगे। इसलिए ऐसी यात्राओं के जरिए राहुल गांधी को व्यस्त रखना और उस बहाने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह दिखाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है और जब राहुल गांधी को देश के साथ होना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में भी शायद ये तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको कोई ना कोई काम देना उचित होगा, और यदि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो कांग्रेस का नुकसान करते रहेंगे, और इसलिए ऐसी यात्राओं के माध्यम से उनको एंगेज करना और उस बहाने कांग्रेस के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करना कि कांग्रेस कुछ कर रही है। अब न्याय यात्रा वो उस समय निकाल रहे हैं जब पूरे देश में न्याय का वातावरण है, जब पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा हो, जब पूरा भारत एकजुटता के साथ खड़ा हो, तब कभी वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। और जब आवश्यकता होती है भारत को एक होने की तो वो चीन और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, देश का नहीं कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि उनका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्हें उनके अपने दल की वैचारिक समझबूझ भी नहीं है। जहाँ तक सोनिया गांधी जी का सवाल है, उनको लगता है कि पिछली बार तो उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे टिक गई थी राहुल गांधी जी, तो उनको हार का ही सामना करना पड़ा, और उनको लगता है कि दक्षिण भारत ही शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो बच सकती हैं चुनावी हार से। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है जब दक्षिण के लोग भी कांग्रेस से दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। ईडी की टीम ने रीवा निवासी पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे ग्वारी घाट इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद रविवार को उसे विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। माड़ोताल थाना अंतर्गत 2 दुकानों में हुई लाखों की चोरी। अग्रवाल ट्रेडर्स और सुनंदा ज्वेलर्स में हुई चोरी। संचालक ने बताया कि संभवतः उनकी दुकान की शटर जैक द्वारा उठाई गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों दुकानों पर एक ही गिरोह ने चोरी की गई है। वहीं ज्वेलर्स शॉप के संचालक मुकेश सोनी ने बताया कि उनकी शॉप माड़ोताल थाना से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बनी हुई है, लेकिन इसके बाद भी रात में उस क्षेत्र में कभी भी गश्त नहीं होती है। मामले की जानकारी लगते ही दोनों दुकानों पर माड़ोताल थाने की पुलिस पहुंची, जिन्होंने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे यहाँ शटर टूटा मिला, सब सुबह 6 बजे पता चला हमको, और यहाँ रात में पुलिस का गश्त तो रहता ही नहीं। खैर थाने से कितने कदम दूरी पे है दुकान? 150 मीटर 200 मीटर 150 मीटर 200 मीटर की घटना घट गई। हाँ, पुलिस की गश्त तो नहीं रहती। कहाँ पे दुकान है? किस नाम से दुकान? आकाश विहार रोड पर, लकड़ी की टाल के बाजू में, सुनंदा ज्वेलर्स। चार शातिर मोबाइल चोर सिविल लाइन पुलिस की गिरफ्त में, जहां चोरों से चुराए हुए 25 मोबाइल 3 लाख रुपए के जब्त किए गए हैं। जहां सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरपीएफ बैरिक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास 4 लड़के काले रंग की प्लास्टिक की थैलियों में मोबाइल रखकर बहुत कम दामों में बेचने की बात कर रहे हैं। संभवतः मोबाइल चोरी की है। इन्हीं लोगों को बेचने की फिराक में है सस्ते दामों में। ऐसी सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और चारों लड़कों से मौके पर पहुंच के पूछताछ की। पूछताछ में उन लोगों ने चोरी के मोबाइल होना कबूल किया। तलाशी में उनसे कुल 25 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जो कि पूछताछ में उन्होंने यह भी बताया कि ये मोबाइल उन्होंने आधारताल माड़ोताल क्षेत्र से, ओमती क्षेत्र से चुराए हैं, और उनके खिलाफ 41(1)(3)87 के तहत कार्रवाई की गई है और अभी पूछताछ चल रही है। ऐसी हमें उम्मीद है कि और भी मोबाइल इनसे बरामद होंगे, तो पूछताछ जारी है इनसे।